हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 फरवरी 2021 की 7 बड़ी भर्तियों की अपडेट के बारे में, जिनके फॉर्म आपको जरूर भर लेने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया की गवर्नमेंट जॉब हम आपके लिए लेकर गए हैं। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल बहुत कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एंड आपको यहाँ पर जो पर मंथ पे स्केल दिया जाएगा, जो आपको सैलरी दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी, इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ यार अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब संबंधी पल पल के अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही आने वाले घंटे के बटन को जरूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे। एंड फ्रेंड, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको अपने स्टेट का नाम लिख देना है, ताकि मैं आपके स्टेट की वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंचा सकूं। एंड इसी के साथ में आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देखने को मिल जाएगा, जाकर के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपको हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन नौकरी अड्डा ऐप का लिंक भी देखने को मिल जाएगा। आप हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन नौकरी अड्डा ऐप को भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको डेली बेसिस पर गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं एंड जान लेते हैं हमारी आज की टॉप लेटेस्ट 7 बड़ी भर्तियों के अपडेट के बारे में। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड जान लेते हैं हमारी 7 बड़ी भर्तियों की अपडेट के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर हमारी सबसे फर्स्ट नंबर की जो वैकेंसी आती है वो आती है WCR रेलवे रिक्रूटमेंट से। ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें, डिपार्टमेंट नेम की बात करें, तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR पश्चिम मध्य रेलवे से वैकेंसीज हैं। पोस्ट नेम की बात करें तो अप्रेंटिसशिप पद पर ये वैकेंसीज रखी गई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लें तो 165 पद यहाँ पर रखे गए हैं। पे स्केल आप जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। 10वीं पास और ITI पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 24 साल एज लिमिट रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आपसे ₹170 ली जाएगी जनरल OBC कैंडिडेट से, एंड रिजर्व कैंडिडेट से ₹70 एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाई जाएगी, कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। ऑनलाइन आप इनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। भोपाल आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। WCR.indianrailways.gov.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, या फिर आप mp.mponline.gov.in पर जाकर के भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 मार्च से 30 मार्च तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वैकेंसी जो हमारी आती है वो आती है RVUNL रिक्रूटमेंट से। विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से वैकेंसीज हैं बिजली विभाग से। पोस्ट नेम की बात कर ले तो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट के पद पर ये वैकेंसीज है। 1295 पद रखे गए हैं। लेवल 5, 10 और 11 से आपको जो है पर मंथ पे स्केल दिया जाएगा। 12वीं पास ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 साल एज लिमिट रखी गई है। जनरल EWS कैटेगरी से ₹1600 एप्लीकेशन फीस ली जाएगी, एंड SC/ST PWD कैंडिडेट से ₹1400 एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। कॉमन रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ऑनलाइन आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। energy.rajasthan.gov.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। 2 मार्च से 22 मार्च तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप इस भर्ती के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी मेरी आती है WCR रेलवे रिक्रूटमेंट से। वेस्ट सेंट्रल रेलवे पश्चिमी मध्य रेलवे से अप्रेंटिस के पद रखे गए हैं। 160 पदों पर ये वैकेंसीज हैं। 10वीं पास और ITI पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 24 साल एज लिमिट रखी गई है। ₹170 और ₹70 एप्लीकेशन फीस ली जाएगी आपसे। मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। कोई भी एग्जाम या फिर कोई भी इंटरव्यू आपका कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोटा राजस्थान आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। WCR.indianrailways.gov.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। 15 मार्च 2021 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन व अप्लाई ऑनलाइन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, वहाँ से आप इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर हम बात करें नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कृषि विभाग से वैकेंसीज रखी गई हैं। अगर बात कर लें पोस्ट नेम के बारे में,
तो जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, सैंपल कलेक्टर, जूनियर रिसर्च असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ट्रैक्टर ड्राइवर, जूनियर मैकेनिक एंड लोअर डिवीजन क्लर्क और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पर ये वैकेंसीज हैं। 132 पद रखे गए हैं। लेवल 1, 2, 4, 5 से आपको पे स्केल दिया जाएगा। 10वीं पास, 12वीं पास, ITI डिप्लोमा, BTEC और BSc कैंडिडेट इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 45 साल एज लिमिट रखी गई है। कोई भी एप्लीकेशन फीस आपसे नहीं ली जाएगी। रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ऑफलाइन आप इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गोवा आपकी जॉब लोकेशन रहेगी एंड agri.gova.gov.in पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। 15 मार्च 2021 आपकी लास्ट डेट रखी गई है। सो फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी आती है NTPC रिक्रूटमेंट से। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन से वैकेंसीज है। असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट केमिस्ट के पद पर वैकेंसीज हैं। 230 पद रखे गए हैं। 30,000 रुपये से 1,20,000 रुपये आपको पे स्केल दिया जाएगा। इंजीनियरिंग डिग्री और MSc डिग्री पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट आपकी रखी गई है। जनरल OBC कैंडिडेट से 300 रुपये एंड SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट से कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। इसी के साथ में ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की जॉब है, ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। NTPCCareers.net पर जाकर के आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 24 फरवरी 2021 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे एंड 10 मार्च 2021 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप इस भर्ती के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी आती है NPCIL रिक्रूटमेंट से। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड से वैकेंसीज हैं। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पद पर ये वैकेंसीज हैं। 200 पदों पर ये वैकेंसीज रखी गई हैं। 55,000 रुपये आपको पर मंथ पे स्केल दिया जाएगा। इसी के साथ में BE, BTEC और BSc इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 26 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। जनरल OBC EWS कैटेगरी से 500 रुपये एंड SC ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट से कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी। पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। कोई भी एग्जाम आपका कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। ऑनलाइन आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की जॉब है, ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। NPCIL careers.co.in पर जाकर के अप्लाई कर पाएंगे। 23 फरवरी 2021 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं एंड 9 मार्च तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, वहां से आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी भरी आती है RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वैकेंसीज हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से लीगल ऑफिसर, मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर के पद पर ये वैकेंसीज हैं। 29 पदों पर ये वैकेंसीज रखी गई हैं। लीगल ऑफिसर मैनेजर के लिए 77,200 रुपये एंड असिस्टेंट मैनेजर के लिए 63,172 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लीगल ऑफिसर के लिए 21 से 32 साल, मैनेजर के लिए 21 से 35 साल एंड असिस्टेंट मैनेजर के लिए 21 से 30 साल और असिस्टेंट मैनेजर फॉर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी के लिए 25 से 40 साल एज लिमिट रखी गई है। जनरल OBC PWD कैंडिडेट से 600 रुपये एंड SC ST कैंडिडेट से 100 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ऑनलाइन आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। RBI.org.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। 23 फरवरी 2021 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे एंड 10 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 अप्रैल 2021 को आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक एंड अप्लाई ऑनलाइन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इनके लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की टॉप लेटेस्ट 7 बड़ी भर्तियां। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जो बताइएगा। साथ ही में वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब संबंधी पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे। एंड फ्रेंड, आप इनमें से किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सी वैकेंसी आपको पसंद आई तो नीचे कमेंट करके जो बताइएगा। एंड उससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।